दोबारा के जैसे गैंगस्टर दिखाया जाएगा अक्षय को इस फिल्म में, क्या ये रोल टफ होगा अक्षय के लिए? अक्षय कुमार ऐसे तो गैंगस्टर रोल में काफी कम दिखाई दिए हैं। अक्षय ज्यादातर एक अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और ऐसे में हमने कई रियल स्टोरीज बेस्ड फिल्म देखी है और बहुत सी फिक्शन मूवीज भी देखी है, बट उन्होंने गैंगस्टर रोल एक फिल्म में निभाया है एंड अब काफी टाइम बाद किसी और दूसरी फिल्म में भी नजर आने वाले हैं, वो भी गैंगस्टर के रोल में, जिसका नाम है बच्चन पांडे। तो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म में अक्षय ने एक अंडरवर्ल्ड के डॉन का रोल निभाया था, जिसमें लव स्टोरी तो दिखाई गई थी, बट लोगों का मानना है कि ये फिल्म दाऊद के ऊपर बनाई गई थी। एंड बच्चन पांडे फिल्म में एक टिपिकल लव स्टोरी होने वाली है, जिसमें कृति सैनन अपने प्यार से अक्षय को सुधारती है। अब भले ही बच्चन पांडे फिल्म में अक्षय गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं, पर ये अच्छे गैंगस्टर का रोल निभाते हुए दिखेंगे और साथ ही अच्छाई के लिए लड़ते हैं वो इस फिल्म में। एंड दूसरी जगह अक्षय ने अंडरवर्ल्ड का रोल निभाया था, उसमें एक बुरे गैंगस्टर का रोल निभाया था, जिसमें बहुत से बॉम्ब ब्लास्ट कराए थे एंड एक्शन भी बहुत जबरदस्त था। अक्षय का वो रोल फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। उस फिल्म में एक्टिंग एक रियल गैंगस्टर जैसी लग रही थी उनकी, और उस रोल में अक्षय काफी टफ नजर आ रहे थे। पर बच्चन पांडे फिल्म एक एक्शन कॉमेडी होने वाली है, जो साउथ की रीमेक फिल्म है, तो शायद से इतना टफ नहीं होगा ये रोल उनका। खैर, ये तो मैं बाद में पता चल ही जाएगा। अब ये सोचना है कि इस फिल्म के रोल को टक्कर दे पाएगी बच्चन पांडे फिल्म या नहीं दे पाएगी। अब गैंगस्टर है इस फिल्म में भी, तो शायद से वंस अपॉन अ टाइम वाली फील्स भी आ सकती है, क्योंकि आखिर में गैंगस्टर तो गैंगस्टर ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, एंड लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक अपडेट के साथ। थैंक यू।